हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। आयनॉक्स सिनेमा घर में अजय देवगन ने बच्चों के लिए होस्ट की फिल्म तानाजी की स्पेशल स्क्रीनिंग। अजय देवगन यहां पर प्रेजेंट हुए और बच्चों से भी मुलाकात की और उनसे ढेरों सारी बातें भी की। बच्चों से मिलने के बाद अजय देवगन बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे और मीडिया से भी बातें की और बताया कि बच्चों को फिल्म पसंद आई है, मतलब सभी को फिल्म पसंद आएगी। अजय देवगन ने बताया कि मीडिया वालों को भी फिल्म पसंद आई है और बच्चों ने मुझसे कुछ एक सवाल भी पूछे हैं। बच्चों के सवाल हमेशा बहुत ही आसान होते हैं और उनके साथ के एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा मीडिया से बातें करते वक्त अजय देवगन ने बताया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ कौन कौन सी फिल्म रिलीज हुई है। लोग मेरी भी फिल्म को पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ साथ और सारी फिल्मों को भी। इसके अलावा अजय देवगन से छपा की कॉन्ट्रोवर्सी, जेएनयू की कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड सवाल पूछे गए, लेकिन किसी भी सवालों का जवाब देना अजय देवगन सही नहीं समझते। छपाक रिलीज होते ही दीपिका पादुकोण पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर। दीपिका पादुकोण की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो हमेशा मन्नतों के देवता गणपति बाप्पा के दर्शन करने सिद्धि विनायक मंदिर जाती है। आज सुबह दीपिका पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर, जहां पर उन्होंने गणपति बाप्पा से अपनी फिल्म छपाक की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। सिद्धि विनायक मंदिर में दीपिका पादुकोण अकेले पहुंची और बापा के दर्शन किए और फिर अपनी कार में बैठकर निकल गई। इंडिया आर्ट फेस्टिवल 2020 को अटेंड करने पहुंची अदिति राव हैदरी। इंडिया आर्ट फेस्टिवल मुंबई के नेहरू सेंटर वली में ऑर्गेनाइज किया गया है और इस फेस्टिवल को अटेंड करने एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी पहुंची। इंडिया आर्ट फेस्टिवल में बहुत सारे आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, अपने पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में लगाते हैं। इंडिया आर्ट फेस्टिवल बेसिकली ऑर्गेनाइज इंडिया की आर्ट को प्रमोट करने के लिए किया गया है। इस फेस्टिवल में आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी गई है। मीडिया से बात करते हुए अदिति राव हैदरी ने इस आर्ट फेस्टिवल को लेकर अपने फीलिंग्स को शेयर किया और अपने ओपिनियन दिए। उन्होंने कहा कि ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है आर्ट को दिखाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी शेयर किया कि उन्हें यहाँ पर क्या कुछ पसंद आया है। अदिति ने कहा कि उनको यहाँ आना बहुत अच्छा लगा और हमेशा आना भी चाहेंगे। I think it's fantastic. There's a huge number of artists here and a lot of them are there presenting their own work. It was like I walked through it, I couldn't really stop much, but there were quite a few painters and stalls that sort of were very exciting. So I walked in. I felt really bad because I couldn't go into every stall. But it's great to see so many artists on one platform and that they've given this platform to show their work. And I'm a big fan of art. So I'm happy that I could make it. I just about managed to make it. So I'm happy that I could be here. Z5 की द चार्ज शीट वेब सीरीज के कास्ट ने मीडिया से की कुछ खास बातचीत। इस मौके पर सीरीज के कास्ट अरुणोदय सिंह, सिकंदर खेर, रचिता भट्ट ने आज मुंबई में मीडिया से बातें की और बहुत ही एक्साइटेड लगे। हम आपको बता दें कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा मर्डर थ्रिलर सीरीज है जो कि स्ट्रीमिंग हो चुकी है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। कास्ट के अनुसार उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और साथ ही उन्होंने बहुत एंजॉय भी किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत डिफरेंट सीरीज है और आप सभी को देखनी भी चाहिए और आप सभी को बहुत पसंद भी आएगी। शूटिंग के दौरान इनका एक दूसरे के साथ का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला हो गया और उन्होंने अपने साथ के शूटिंग के ढेरों सारे एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। It is one of those stories that have been made in a different way, but this is one unique story, and that's why I think we are part of it. Bollywood gossip में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।